हर परिवार को हम लोग 6000 रुपए तक उपलब्ध करा रहे, यानी एक गाय का रखेगा कोई व्यक्ति राशि द्वाश्रय स्थल से तो उसको 1500 रुपए, चार रखेगा तो 6000 रुपए महीने सरकार उसको उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है, यानी आम की आम कुटली के दाम। आप गाय को रखिए, गाय का दूध भी पीजिए, सरकार उसका पैसा भी आपको देगी और साथ साथ पुण्य भी मिलेगा और गाय का गोबर बेचिए उससे भी आपको पैसा प्राप्त होगा। हर एक चीज के कहीं ना कहीं सरकार ने इस रूप में जोड़ने का प्रयास किया है जिससे हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ाई जा सके, उसके जीवन में स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। और आज इसी दृष्टि यहाँ पे महावीर गोरखनाथ विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम प्रायोजित यहाँ पर आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने अगल बगल के गांवों को सोनवर्षा, बालापार, सिकटौर और आसपास के गांवों को ही केंद्रित करते हुए इस सिलाई कढ़ाई की मशीन को उसको उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और मैं तो विश्वविद्यालय से चाहूंगा कि वह प्रशासन के साथ बातचीत करें, FPOs का गठन करें या फिर यहाँ पे महिला स्वयंसेवी समूह गठित करते हुए हमें यहाँ पे प्रयास करना चाहिए कि रेडीमेड गारमेंट्स में कैसे हम लोग एक बड़े लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से मार्केट से इनका लिंक, मार्केट से अगर जुड़ जाएंगे हर महिला प्रतिमाह 7 से लेकर 10,000-15,000 रुपये कमाने का कार्य करेगी और उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी तो परिवार में खुशहाली आएगी, उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो समाज में आर्थिक स्वावलंबन, समाज स्वतः आगे बढ़ेगा और समाज की व्यवस्था तो इसी रूप में आगे बढ़ती है। हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय ने यहाँ पर आयोजित किया है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूँ, विश्वविद्यालय परिवार को इस कार्यक्रम के हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबके शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।